अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोग ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। आज भी मैंने बनाया है ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार दावत रेसिपी, लबे शीरी फूड ट्रैफल। बहुत ही मज़ेदार होता है ये और ये रंगीन सेवैयों से तैयार होता है। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी बॉयल कर लिया था और एक कप मैंने कलर सेवैयां जो है पानी में डाल के बॉयल कर ली थी। इसको हम बिल्कुल उसी तरह नूडल्स की तरह बॉईल करते हैं। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगी तो हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें, कलर सेवैयों को मैंने स्ट्रेन कर लिया है और स्ट्रेन करके किसी बॉल में रख दें ताकि ये ठंडी हो जाए। हम इसको एक तरफ रखकर ठंडा कर लेंगे। ये हमारी कलर सेवैयाँ एक तरफ ठंडी हो रही हैं। दूसरी तरफ हम दूध गर्म करेंगे। 2 लीटर मैंने दूध लिया था, लेकिन उसमें से मैंने 1 कप दूध निकाल लिया था। जो 1 कप मैंने दूध निकाला था उसमें 4 से 5 कस्टर्ड के चमचे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए थे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स करना है। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, इसमें मैं शक्कर नहीं डाल रही हूँ, आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, मैंने तकरीबन 200 ml कंडेंस मिल्क इसमें डाला है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। दूध को हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। हमारा दूध बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा। जब हमारा दूध बॉयल होना शुरू जाएगा तो जो कस्टर्ड हमने अच्छी तरह से मिक्स किया था वो कस्टर्ड हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है और ये कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, अच्छी तरह जितना जितना पकेगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो जब ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा, पकने लगे, तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे अच्छी तरह से। मैंने 3 पैकेट जो है वो दो क्रीम थिक क्रीम जो है इस्तेमाल की थी, इसमें मिक्स की थी। 125 ml की 1 पैकेट था तो मैंने तकरीबन 375 ml इसमें डाली थी और कस्टर्ड अच्छी तरह ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें क्रीम अच्छी तरह से मिक्स कर दी थी। तो क्रीम को हम बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। इसके अलावा जो कलर सेवैयाँ हमने अच्छी तरह से एक तरफ ठंडी की थी, स्ट्रेन करके रखी थी, तो कलर सेवैयाँ भी बॉयल की हुई हम इसमें शामिल कर देंगे। कलर सेवैयाँ भी हमारी अच्छी तरह से बॉयल हुई हुई थी तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और ये देख लें, कस्टर्ड को मैंने ठंडा करके तमाम चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। कस्टर्ड गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से इसको आपने ठंडा कर लेना है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। अब हम इसमें कुछ फ्रूट शामिल करेंगे और ये देखें, मैंने बनाना और मैंगो इसमें काटे हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। कोशिश कीजिएगा कि मीठे फ्रूट शामिल करें, खट्टे इसमें शामिल ना करें। इसमें हम मीठे फ्रूट डालते हैं ज़्यादातर, तो मैंने इसमें बनाना और मैंगो डाला है। आप चाहें तो एप्पल वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने फ्रूट कॉकटेल के 2 पैकेट डाले हैं। 1 पैकेट 425 ग्राम का था, मैंने 2 डाले थे। 850 ग्राम का टोटल कॉकटेल डाला है इसमें मैंने, फ्रूट कॉकटेल। और इसमें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था मैंने और मिक्स करके दोबारा मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। हमें बहुत अच्छी तरह से इसको ठंडा करना है। ये मैंने जैली बनाई थी, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने चेरी और स्ट्रॉबेरी की जैली बनाई थी, रेड कलर की जैली और ग्रीन कलर की, 2 कलर की मैंने जैली बनाई थी। आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप बना सकते हैं। तो मैंने 2 कलर इस्तेमाल किए थे जैली के लिए। तो ये रेड कलर की जैली निकल गई मेरी, इस तरह से मैंने निकाल के इसको प्लेट में रख लिया है। इसी तरह से मैंने ग्रीन जैली बनाई थी, इसको भी मैंने एक तरफ डिश में करके रख लिया है। इसके पीसेस कर लिए हैं हमने और पीसेस करके इसको एक तरफ कर दिया है। अब इसकी असेंबली करेंगे। तो मैंने एक फ्रूट ट्रैफल बॉल लिया है और उसमें मैंने केक जो होते हैं हमारे प्लेन केक, उसको मैंने सेट कर दिया था इसको अच्छी तरह से। और जो हमारा फ्रूट कॉकटेल का सिरप था वो मैंने बचा लिया था और सिरप को उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया केक के ऊपर। अब जो हमने लबे शीरी बनाया था फ्रूट ट्रैफल, वो हम इस पर डाल देंगे अच्छी तरह से केक के ऊपर। केक को हमें अच्छी तरह से सेट करना है। देखिए, मैंने नीचे भी सेट किया था और साइडों में भी सेट किया था। तो हम इसके ऊपर अपना फ्रूट ट्रैफल डाल देंगे, लबे शीरी फ्रूट ट्रैफल। इसके ऊपर हम लेयर लगाने के बाद जैली की लेयर लगाएंगे। अच्छा, मैंने अलग अलग जैली की लेयर नहीं लगाई, मैंने ग्रीन और रेड एक साथ ही कर दिया था, तो क्योंकि इतना गुंजाइश नहीं थी कि बहुत सारी लेयरिंग करती मैं, तो मैंने एक ही लेयरिंग में जैली कर दी है। और सेकंड थर्ड लेयर मैंने जो लगाई है वो दोबारा से मैंने लबे शीरी की लगा दी है। तो लबे शीरी हम दोबारा से इस पर डाल देंगे। और अब हमने जो जैली हमारी बच गई थी रेड और ग्रीन, वो मैंने इसकी साइडों में डेकोरेट कर दी है। तो ये हमारा जो बॉल है, खूबसूरत सा पेडिस्टल बॉल, इसको मैं इस तरह डेकोरेट कर रही हूँ। ग्रीन जैली और रेड जैली दोनों से मैं इसको डेकोरेट करूँगी और अच्छी तरह से साइडों में मैंने देखी किनारों पे लगा के इसको कर दिया है। इसके अलावा जो इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है हमारी छोटी वाली चमचम, जिसको हम बेबी चमचम बोलते हैं, जो कि लबे शीरी में इस्तेमाल की जाती है। वो मैंने अच्छी तरह से ऊपर से इससे डेकोरेट कर दिया और थोड़ा सा मैंने जो मेरे पास कटा हुआ रखा था ड्राई फ्रूट वो मैंने इसमें डाल दिया है।
मेरे पास सिवैयों के लिए कटा रखा था, उसमें थोड़े से आप देख रहे हो उसमें खोपरा भी नज़र आ रहा होगा, तो मैंने सिवैयों के लिए थोड़ा सा काट के रखा था। आप बादाम और पिस्ता भी खाली डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा लबे शीरी फूड ट्राइफल रेडी है, और ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। ये ईद दावत रेसिपी है, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, आप इसको अपने घर में ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह ये सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए मैं लाती रहूँगी। मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सबकी इबादतों को कबूल करे, और सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।